हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसो एंजाइम्स। प्रीवियस क्लास में हम यूनिट एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे। एंजाइम यूनिट के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम क्या होता है, आइसो एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आइसो एंजाइम कितने फॉर्म्स में पाया जाता है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है आइसो एंजाइम के, उसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्टली बात करते हैं आइसो एंजाइम की डेफिनेशन की। आइसो एंजाइम मतलब एंजाइम तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। सिंगल एंजाइम है वो, ठीक है, लेकिन उसकी फॉर्म्स जो है वो अलग अलग है। स्ट्रक्चर में आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, और स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट मिलेगी। आइसो एंजाइम में कुछ सिमिलरिटीज़ होती है, बट स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट होते हैं, और प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर उसकी मोबिलिटी अगर चेक करेंगे तो भी अपन को अलग मिलेगी। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग मिलेगी। तो आइसो एंजाइम क्या है कि सिंगल एंजाइम है, लेकिन मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। पॉइंट देखें अपन कि आइसो एंजाइम आर मल्टीमेरिक एंजाइम। मल्टीमेरिक मतलब अलग अलग फॉर्म्स, एक ही एंजाइम की बहुत सारी फॉर्म्स, विच हैव सम स्पेसिफिसिटी बट डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रेस्पेक्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड सोर्सेज। माई मीन्स आइसो एंजाइम मल्टीमेरिक एंजाइम होते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक सिमिलरिटीज़ होती है, लेकिन कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में वो अलग दिखाई देंगे, इलेक्ट्रोफोरेटिक उसकी मोबिलिटी है वो अलग मिलेगी, सिमिलर फॉर्म्स है उनकी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कहाँ से डेराइव्ड हुए हैं वो सोर्सेज भी अलग होंगे। बात करते हैं आइसो एंजाइम के फीचर्स, मीन्स फीचर्स ऑफ आइसो एंजाइम। फर्स्ट फीचर है आइसो एंजाइम डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है आइसो एंजाइम की वो डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। सेकंड फीचर्स है दे हैव डिफरेंट मोबिलिटी ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर इसकी मोबिलिटी चेक करेंगे, अलग अलग जो फॉर्म्स है आइसो एंजाइम की उनकी मोबिलिटी भी अलग अलग मिलेगी। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफर मिलेगी, तो दे डिफर इन इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो फीचर्स है दे डिफर इन फॉलोविंग। फर्स्ट है डिग्री ऑफ डीनेचुरेशन, मतलब प्रोटीन जो है उसका विकृतिकरण भी अलग अलग मिलेगा। Km कांस्टेंट एंड V मैक्सिमम, ये भी अलग अलग आइसो एंजाइम का अलग अलग मिलेगा। ऑप्टिमम पीएच मींस वो पीएच जिस पर एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होती है, तो वो ऑप्टिमम पीएच भी अलग अलग आइसो एंजाइम के लिए अलग अलग होती है। दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डिफरेंट जीन्स। आइसो एंजाइम है वो अलग अलग जीन से सिंथेसाइज्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ आइसो एंजाइम, कि ऐसे कौन से एंजाइम है जो आइसो एंजाइम कहलाते हैं। तो फर्स्ट एंजाइम अपन पढ़ रहे हैं लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, LDH, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। तो डीहाइड्रोजिनेज का मीन्स क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेज का मीन्स होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो अपन एक रिएक्शंस लेते हैं, इस रिएक्शंस में पढ़े कि LDH किस में कन्वर्ट होगा, LDH कन्वर्ट होगा पाइरूवेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, पाइरूवेट के अंदर। एंजाइम कौन सा एंजाइम रहेगा, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, को एंजाइम चाहिए। को एंजाइम कौन आएगा,
एनएडी आएगा। एनएडी क्या करेगा, लेक्टेट से हाइड्रोजन ले लेगा और लेक्टेट का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, NaDH2। और लैक्टेट से प्रोडक्ट क्या बनेगा, पाइरुविक एसिड। ये लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। अब लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को आइसो एंजाइम क्यों बोला, क्योंकि LDH अलग अलग फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। पहले अपन बात करें कि LDH की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कि LDH क्या है, एंजाइम है। एंजाइम किस नेचर का है, प्रोटीन नेचर का है। तो प्रोटीन नेचर का है तो इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। तो LDH की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कि LDH होता है टेट्रामर। कैसा होता है, टेट्रामर। टेट्रामर मतलब इसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 1, 2, 3 और 4। फोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसलिए LDH को क्या बोला, टेट्रामर बोला। अब फोर पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, वो चेन किस किस सब यूनिट से मिलके बनी होती है, वो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन में या तो वो हार्ट से डेराइव्ड होके बन सकती है या वो मसल से डेराइव्ड होके बन सकती है। तो अब ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन वाले लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज की फॉर्म्स के बारे में बात करें, कि लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज के आइसो एंजाइम कौन कौन से हैं। तो लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज अपने सीरम के अंदर अलग अलग पांच फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। उनके नाम है LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। LDH1 ये भी क्या है, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। LDH2, LDH3, LDH4, LDH5 ये पांचों के पांचों क्या है, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मतलब LDH की अलग अलग आइसो एंजाइम फॉर्म्स होती है। अब LDH1 जो है, इसकी चारों पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किससे मिलके बनी होती है, हर्ट सब यूनिट से, मतलब हर्ट से डेराइव्ड होती है। LDH2 की बात करें तो इसमें तीन तो हर्ट सब यूनिट होती है और एक होती है वो M सब यूनिट होती है। LDH3 की बात करें तो इसमें दो तो सब यूनिट होती है हर्ट की और दो होती है मसल्स की। LDH4 आइसो एंजाइम की बात करें तो इसमें एक सब यूनिट तो होती है हर्ट की और तीन होती है मसल्स की। और LDH5 की टोटल जो पॉलीपेप्टाइड चेन है चारों, वो किससे मिलके डेराइव्ड होती है, मसल से डेराइव्ड होती है। LDH1 एंड LDH2 कहाँ मिलेगा अपन को, प्रीडोमिनेंटली मायोकार्डियम एंड RBC के अंदर, LDH1 और LDH2। LDH3 कहाँ मिलेगा, ब्रेन एंड किडनी के अंदर। LDH4, LDH5 प्रीडोमिनेंट इन द कहाँ पर, लीवर एंड स्केलेटल मसल्स के अंदर। फॉलोविंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन LDH1 becomes greater than LDH2 between the 12 to 24 hours. जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब जो हर्ट की मायोकार्डियम मसल्स है उसके अंदर नेक्रोसिस की कंडीशन एराइज होती है, तो कौन सा एंजाइम ज़्यादा रिलीज होगा, वो है LDH1 होगा। कौन सा होगा, LDH1, क्योंकि LDH1 की चारों सब यूनिट कौन सी है, हर्ट सब यूनिट होती है, मतलब हर्ट से डेराइव्ड होती है। तो LDH1 का जो लेवल है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में LDH2 की तुलना में ज़्यादा होता है, कब, 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर। LDH5 इज डायग्नोस्टिक ऑफ सेकेंडरी कंजेस्टिव लीवर इन्वॉल्वमेंट। जब सेकेंडरी कंजेस्टिव लीवर फेलियर होता है तो उसके अंदर LDH5 का लेवल ज़्यादा मिलेगा। ये था अपना लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसकी अपने अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया। अब आइसो एंजाइम का सेकेंड एग्जाम्पल है, वो है क्रिएटिन
फोस्फोकाइनेज। क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज ये भी एक प्रकार का आइसो एंजाइम है, क्यों? क्योंकि इसकी भी अलग अलग फॉर्म्स पाई जाती है। तो फर्स्टली अपन बात कर लेते हैं कि क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज एक्चुअली में करता क्या है। क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज करता है फोस्फोराइलेशन और डीफोस्फोराइलेशन भी कर सकता है। तो फोस्फोराइलेशन में बात करूँ तो क्रिएटिन जो है वो कन्वर्ट होगा फोस्फो क्रिएटिन में। तो क्रिएटिन के पास अभी फोस्फेट नहीं है और फोस्फो क्रिएटिन के पास में फोस्फेट प्रजेंट है। तो ठीक है, तो फोस्फो क्रिएटिन के पास फोस्फेट कहाँ से आया? एटीपी ने दिया। तो जब भी क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज एंजाइम काम करेगा तो एटीपी से रिएक्शन होगी और एटीपी अपना एक फोस्फेट क्रिएटिन को दे देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी के अंदर। तो क्रिएटिन से क्या बन गया? फोस्फो क्रिएटिन। तो ये क्या करेगा? फोस्फोराइलेशन करने का काम करता है। क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज को शॉर्ट फॉर्म में अपन सी पी के भी बोलते हैं, सी पी के बोलते हैं या फिर सी के भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज सी पी के और सी के। और ये तीन फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। तीन फॉर्म्स कौन कौन सी है? सी पी के वन, सी पी के टू एंड सी पी के थ्री। अब ये जो है आइसो एंजाइम ये डाइमर में होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की स्ट्रक्चर थी टेट्रामर, जबकि सी पी के क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज जो एंजाइम है वो डाइमर होता है। डाइमर मतलब दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन मसल से डेराइव्ड होती है और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेन से डेराइव्ड होती है। अब इस सी पी के एंजाइम की तीन अलग अलग आइसो एंजाइम फॉर्म्स होती है, उसकी बात करें तो फर्स्ट सी पी के वन, सेकेंड सी पी के टू, थर्ड सी पी के थ्री। सी पी के वन के अंदर डेराइव्ड कहाँ कहाँ से होती है इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन? ब्रेन और ब्रेन, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेन से डेराइव्ड होती है। सी पी के टू की दोनों चेन में से एक चेन मसल से डेराइव्ड होती है, दूसरी ब्रेन से डेराइव्ड होती है। सी पी के थ्री की दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मसल्स से डेराइव्ड होती है। सी पी के वन इज फाउंड इन ब्रेन। सी पी के वन जो आइसो एंजाइम है वो कहाँ मिलता है? ब्रेन में। सी पी के टू एंजाइम है वो मायोकार्डियम में मिलता है। सी पी के थ्री है वो स्केलेटल मसल्स के अंदर मिलता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े अपन तो सी पी के टू इज प्रजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन द नॉर्मल सीरम के अंदर, वेरी स्मॉल अमाउंट में मिलता है। फॉलोइंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इट्स लेवल राइजेज विद इन 4 आवर्स एंड रीचेज टू मैक्सिमम विद इन 1 डे। सी पी के टू जो आइसो एंजाइम है, जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन अराइज होती है तो 4 आवर्स के अंदर अंदर इसका लेवल है वो मैक्सिमम हो जाता है। ये था अपना क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज आइसो एंजाइम। दो एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल अपना एल्केलाइन फोस्फेटेज, एल्केलाइन फोस्फेटेज। इसकी शॉर्ट फॉर्म्स में से क्या बोलेंगे? ALP, एल्केलाइन फोस्फेटेज। इसकी चार अलग अलग फॉर्म्स पाई जाती है, चार अलग अलग फॉर्म्स पाई जाती है। और ये एल्केलाइन फॉस्फेट्स है ये कहाँ से डेराइव्ड होता है? मोस्टली लीवर से डेराइव्ड होता है। और पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस के अंदर ALP का लेवल बढ़ जाता है। अब इसकी एल्केलाइन फॉस्फेटेज की चार अलग अलग आइसो एंजाइम फॉर्म्स कौन कौन सी है? फर्स्ट है α1 ALP, α2 ALP, बीटा ALP, गामा ALP। ठीक है, लीवर α1 ALP लीवर से डेराइव्ड है, इसका नाम लीवर एल्केलाइन फॉस्फेटेज है। α2 बोन से डेराइव्ड है, बीटा इंटेस्टाइन से और गामा प्लेसेंटा से डेराइव्ड है। इन ग्रोविंग चिल्ड्रन द मेजर आइसो एंजाइम इज फॉर्म बोन एंड इज रिलेटेड टू इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है।
ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द इंक्रीज इन ऑल्केलाइन फॉस्फेटेज इज रिलेटेड टू इट्स ओरिजिन फ्रॉम प्लेसेंटा। जब प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर मीन्स प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन 9 मंथ, ठीक है 9 मंथ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी 3 मंथ और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 3 मंथ, तो तीनों कितने हो गए 9 मंथ हो गए। तो थर्ड ट्राइमेस्टर जो लास्ट वाला 7th, 8th और 9 मंथ जो है उसके अंदर एल्केलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ता है, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, प्लेसेंटा से होता है, ठीक है। तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो प्लेसेंटल ओरिजिन वाला है तो किसका लेवल बढ़ेगा, गामा एएलपी का लेवल बढ़ेगा। तो ये तीन अलग अलग फॉर्म्स थी आइसो एंजाइम की। फर्स्ट थी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड थी क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज और थर्ड थी एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये तीनों अलग अलग फॉर्म्स आइसो एंजाइम की पाई जाती है, और भी बहुत सारे आइसो एंजाइम आपको इसे मिल जाएंगे। तो ये था अपना आइसो एंजाइम टॉपिक, जिसके अंदर अपन ने बात की थी कि स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट मिलेगा तो इसकी जो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मोबिलिटीज़ है, वो भी अपन को अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।